Hey guys, welcome back to my channel, and if you're new here, welcome to my channel. In today's video, I'll be sharing with you 12 nude lipsticks which I own and like. इसके अंदर brown nudes हैं, peachy nudes हैं, pink nudes हैं. One thing I want to clarify before moving on. Now nude की जो definition है वो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है and everyone has their own favorite nude shades. So जो भी shades मैं आपको show कर रही हूँ इस video के अंदर वो शेड्स हैं जो मुझे पहनना काफ़ी अच्छा लगता है और मैंने इसके अंदर यू नो डिफरेंट अंडरटोन भी कवर करने की कोशिश करी है. तो इसके अंदर वार्म अंडरटोन्स हैं, न्यूट्रल अंडरटोन्स हैं, एक दो कूल अंडरटोन्स की भी लिपस्टिक्स हैं. ऑल दीज शेड्स विल लुक रियली गुड ऑन इंडियन स्किन टोन. देर आर कपल ऑफ शेड्स विच माइट वॉश ऑफ पीपल विथ लिटिल डार्क स्किन टोन. अदरवाइज ये जो भी शेड्स हैं वो इंडियन स्किन टोन पे काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगे. ऑल्सो आई स्वॉच्ड ऑल दीज लिपस्टिक्स ऑन माई बेयर फेस विदाउट एनी मेकअप सो दैट आपको पता चल पाए कि ये लिपस्टिक शेड्स कैसे दिखते हैं लिप्स के ऊपर व्हेन यू आर नॉट वेयरिंग एनी मेकअप. बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ यू गाइज डोंट वेयर मेकअप ऑन अ डेली बेसिस. एक्चुअली आई ऑल्सो डोंट वेयर मेकअप ऑन अ डेली बेसिस. तो आई जस्ट अप्लाई दिस लिपस्टिक विदाउट एनी मेकअप. तो इसलिए मैंने स्वॉचेस को बेयर फेस रखा है सो दैट आपको पता चल पाए कि ये लिपस्टिक्स विदाउट एनी मेकअप कैसे दिखेंगी. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो इज कि जो भी लिपस्टिक के शेड हैं वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि आपके लिप्स का कलर कैसा है. इफ यू हैव पिगमेंटेशन ऑन द लिप्स द कलर्स विच आई एम गोइंग टू शो यू इन दिस वीडियो माइट शो अप लिटिल डिफरेंट ऑन योर लिप्स देन माई लिप्स. तो आपके लिप्स का जो नेचुरल कलर है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि ये कोई भी लिपस्टिक्स आपके लिप्स पे कैसे दिखेगी. वो कलर में भी मेरे लिप्स पे कुछ अलग कलर दिखे और आपके लिप्स पे कुछ अलग कलर दिखे. बिकॉज जो लिप्स का शेड होता है नेचुरली जो लिप्स का कलर होता है वो डिफरेंट होता है हर किसी का. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी होगी. सो या दोज वर ऑल द थिंग्स आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई बिफोर जंपिंग इन द वीडियो. ऑल्सो जो भी लिपस्टिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो के अंदर दोज आर इन बुलेट फॉर्म. इसके अंदर कोई भी लिक्विड लिपस्टिक नहीं है. आई मेक अ सेपरेट वीडियो वेयर आई शेयर विथ यू माई न्यूड लिक्विड लिपस्टिक्स बिकॉज आई डिडंट वॉन्ट दिस टू बी वेरी वेरी लॉन्ग. तो इसके अंदर मैं आपके साथ केवल बुलेट लिपस्टिक्स ही शेयर कर रही हूँ. नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट रोलिंग. फर्स्ट लिपस्टिक विच आई हैव इज दिस वन. दिस इज नायका अल्ट्रा मैट लिपस्टिक इन द शेड जेन. सो दिस इज अ बुलेट लिपस्टिक एंड इट लुक्स लाइक दिस. So it's a bullet lipstick and it's a matte formula. So since ये bullet lipstick है it has a creamy formula. तो it's easy to apply on the lips. पहली बार जब आप इसको use करेंगे so it might be a little difficult to apply this lipstick. But थोड़े time के बाद जब ये इसका जो you know bullet है ये थोड़ी smooth हो जाती है उसके बाद it's very easy to apply this lipstick on the lips. It has a very good pigmentation and you get very good pigmentation in single swipe only on the lips. And this shade is also really really beautiful. It's a terracotta brown nude shade. This is how it looks. And this shade will look very beautiful on light to medium skin tone. Now I have one more lipstick from the same range, same ultra matte lipstick range, which is this one. This one is in the shade Nefertiti. This is also a bullet lipstick and this is how it looks. So this is again a same formula but this one is peachy nude and this is how it looks. So this is Jane and this one is Nefertiti. Now if you apply this shade on bare face if you are not wearing any makeup, हो सकता है कुछ लोगों को ये शेड वॉश ऑफ करें बट मेकअप के साथ ये शेड बहुत ही खूबसूरत लगता है. एंड विदाउट मेकअप ऑल्सो दिस लुक्स रियली गुड. एंड अगेन दिस विल लुक दिस विल बी अ वेरी गुड न्यूड शेड फॉर लाइट टू मीडियम स्किन टोन पीपल. सो ये जो शेड है जेन दिस विल लुक गुड ऑन लाइट टू मीडियम स्किन टोन पीपल. एंड अगर आपकी थोड़ी सी डीप स्किन टोन भी है तो भी दिस विल लुक गुड ऑन यू. बट दिस वन दिस Nefertiti this is good for light to medium skin tone and dark skin tones ko ye thoda sa wash off kar sakta hai. So I have these three shades from Nykaa So Creme creamy matte range. So it's a creamy matte lipstick and it's very easy to apply this lipstick and you get a very good pigmentation with this lipstick. Ye jo ultra matte lipstick thi utni zyada matte nahi hai lipstick but still they have a very good pigmentation and it looks really beautiful on the lips. I won't talk much about the formula of the lipsticks in this video. For that you can you know see my reviews about these lipsticks. Maine almost sabhi lipsticks pe apne detailed review share kare hain to I'll link those video in the description box or here somewhere. To agar aapko detailed review jana hai in lipsticks ke bare mein aap wo videos dekh sakte hain. But in this video we won't talk much about the formula. We mostly talk about the shades. So the very first shade which I have is this one. This is in the shade You Are Latte. And this is how it looks like.
So this is a brown nude shade with neutral undertones. This is like those MLBB shade. MLBB meaning my lips but better. So this is those kind of shade. Actually for Indian skin tone, this is a very good shade. Or deep skin वालों के ऊपर भी ये shade अच्छा लगेगा. So this is how this look. Now the next shade is this one. This is Game On. This is how this shade looks. So this one is a pink nude with a little bit of purple undertones. So this is the shade Game On. Now the last shade from this range is this one. This is Let It Snooze. So this is also a brown nude, but it has peachy undertones to it. So this is how this looks. So this one is Your Latte. This is Game On, and this is Let It Snooze. Since we are talking about Nykaa lipsticks only, let's finish first lipsticks from Nykaa. So next one is this one. This is from their So Matte range. Again, this is a creamy lipstick. It's very easy to apply and all. ये उतनी matte नहीं है जितनी ultra matte है, but जो creamy matte lipsticks हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा matte है. काफ़ी कुछ similar formula है इसका. ये भी बहुत easy to apply है and काफ़ी अच्छा pigmentation है. ये जो मेरे पास है वो इसका mini size है, as you can see. ये mini size है, इसका full size भी available है. मेरे पास ये इसका mini size है and the shade which I have is 48M. इसका नाम तो इस पर आई गेस नहीं है, बट द शेड नंबर इज 48M. इन लिपस्टिक्स के नेम भी हैं बट इसके ऊपर मेंशन नहीं है, तो आई मे बी मेंशन द नेम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू, बट द शेड नंबर इज 48M. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो दिस वन इज अगेन अ ब्राउन न्यूड, बट इट हैज कूल अंडरटोन्स टू इट. So this is the shade 48M. Next lipstick is this one. This is from their Masaba collection. Again, this is a Nykaa lipstick from their Masaba collection, and this one is in the shade Nibu Pani. And this is also a creamy matte lipstick. Actually, इसका जो formula है वो ये So Creme creamy lipstick से काफी मिलता जुलता है. Creamy lipstick है, again अच्छी pigmentation है, easy to apply है and all. And this is how it looks. So this one is a peachy brown nude. This one is Nibu Pani. So those were all the lipsticks from Nykaa. Now let's move on to the other brands. Let's talk about some other brand. Now the next lipstick is this one from MyGlam. It's from their Pose collection, and the shade of this lipstick is muted brown. This is how it looks. So as the name suggests, it's a muted brown nude shade. This is again a very beautiful nude shade. This is how it looks. This is also a very creamy formula, easy to apply, has a good pigmentation. Next I have this lipstick. This is Maybelline Color Sensation lipstick. It's in the shade Nude Nuance. Actually this is a very popular nude shade, and it's a very beautiful brown nude shade, and this is how it looks. This is also a MLBB shade, My Lips Were Better, and this is a very beautiful shade. Very beautiful nude shade, and this is how it looks. And ये जो shade है वो deep skin पे भी काफी अच्छा लगेगा. बहुत ही beautiful nude shade है ये. Next lipstick is this one from the brand Half and Half. It's their non-transfer lipstick. इस lipstick की जो packaging है वो मुझे काफी पसंद है. So this is how this lipstick looks like. This is Half and Half lipstick. This one is in the shade 26.
इनके जो शेड नेम मेंशन नहीं है, स्पीकेबल शेड नंबर है, सो दिस इज द शेड 26. नेक्स्ट आई हैव दिस लिपस्टिक फ्रॉम लॉरियल. इट्स फ्रॉम देयर कलर रिच रेंज एंड दिस वन इज इन द शेड मैपल मोका 202. दिस इज अगेन अ ब्राउन न्यूड, वेरी ब्यूटिफुल ब्राउन न्यूड. सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स. इट्स अ ब्रिक टोन्ड ब्राउन न्यूड एंड दिस विल लुक रियली ब्यूटिफुल ऑन डीप स्किन टोन. Next, I have these two lipsticks from Maybelline Super Stay in Crayon range. So the very first shade is this one, Lead the Way 15. Actually, ये जो lipstick range है Maybelline की, इसके अंदर बहुत सारे beautiful nude shades available हैं. So this one is the first shade, Lead the Way. It's a very beautiful warm pink nude. So this is Lead the Way. It has little bit of purple undertones also to it, which looks so beautiful. ये मुझे शेड काफी पसंद है. Next shade which I have from this range is Enjoy the View 20, and this is how this shade looks. So this is Enjoy the View. So yeah, those were all the nude lipsticks in the bullet form which I like and enjoy to wear. And that's all for today's video. I hope you liked this video and it was helpful for you. If you did, please like and share this video. So please subscribe to my channel if you haven't done already, and don't forget to press the notification bell so that you'll be notified for my future uploads. As I already told you, I'll be doing a separate video where I'll share with you my nude liquid lipsticks. So stay tuned for that. So yeah guys, thank you so much for watching this video. I'll see you in my next one. Till then, take care. Bye.